बायजूस के मालिक रविंद्रन के खिलाफ FIR। जी हाँ दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हो आपका अपना चैनल फ्यूचर तक, मैं आपका दोस्त रमेश कुमार। दोस्तों चैनल पर पहली बार आए तो अभी सब्सक्राइब करें। बता दें कि एजुकेशनल ऐप बायजूस के मालिक रविंद्रन के खिलाफ जो कि मुंबई ने पुलिस ने एक FIR दर्ज की है। जी हाँ बता दें क्या है पूरा मामला इसी वीडियो के अंदर। बता दें लोकप्रिय एजुकेशन ऐप बायजूस के मालिक रविंद्रन के खिलाफ मुंबई की एक FIR दर्ज हुई है। बायजूस पर UPSC पाठ्यक्रम में गलत जानकारी देने का आरोप लगा। जी हाँ साइंस फर्म के फाउंडर स्नेहिल डल ने आर्य कॉलोनी पुलिस स्टेशन में बायजूस के मालिक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। FIR में ये कहा गया है कि बायजूस ने अपने UPSC पाठ्यक्रम में कहा था कि CBI कि एक नोडल एजेंसी है। डल के मुताबिक CBI साफ कर चुका है कि वह UNTOC के लिए नोडल एजेंसी नहीं है, इसलिए उन्होंने बायजूस के खिलाफ गलत जानकारी देने के लिए FIR दर्ज कराई है। जी हां दोस्तों पूरा मामला आइए हम आपको बताते हैं। डल के मुताबिक जब उन्हें इस बारे में पता चला तो उन्होंने तुरंत बायजूस को एक मेल किया भेजकर इस जानकारी को तुरंत दुरुस्त करने का कहा था। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय के एक और पत्र भेजा और जिसमें CBI की नोडल एजेंसी होने की बात कही गई थी, लेकिन ये पत्र 2012 का था। उन्होंने कहा कि वे इससे संतुष्ट नहीं थे और इसलिए उन्होंने मुंबई जो कि पुलिस में शिकायत दर्ज की है। दोस्तों उन्होंने कहा कि CBI ने 2016 में लिखित रूप में कहा था कि UNTOC के लिए नोडल एजेंसी नहीं है। इसके बाद दल ने देश में UNTOC को लागू नहीं करने के लिए केंद्र सरकार और 45 विभागों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक क्रिमिनल रीट दायर की है। अभी तक इस बारे में बायजूस की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया। FIR जो कि कंपनी के मालिक के नाम पर दर्ज की गई आपराधिक साजिश के लिए IPC की धारा 120 और IT एक्ट की धारा 69A के तहत केस दर्ज किया गया। दोस्तों इस वीडियो को लेकर आपका क्या कहना है एक बार कमेंट में बताएं। चलिए मिलते हैं एक और बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।